हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पीएम रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। आज इस रेसिपी को मैं बिल्कुल बिना तेल का बनाऊंगी, एक भी तेल इसमें मैं नहीं ऐड करूंगी फ्रेंड। तो वीडियो को मेरे अंत तक देखना, आज यह बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। आप इसे सुबह शाम के नाश्ते में या बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना देख लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक तोरी, इसको अच्छे से मैंने छील लिया है, मीडियम साइज की है। यहाँ पे एक मीडियम साइज की मैंने आलू लिया है, इसको भी अच्छे से छील लिया है। तो मैं इस सब्जी को अच्छे से सबसे पहले ग्रेट कर लूँगी। तो चलिए एक एक करके मैं ग्रेट कर लेती हूँ। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तोरी और आलू को अच्छे से ग्रेट करके धुल के ले लिया है। अब मैं लूंगी एक यहाँ पे मिक्सिंग बाउल और उसमें मैं इस आलू को ऐड कर दूंगी और तोरी को ऐड कर दूंगी। आलू तोरी को मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। आज की रेसिपी एकदम न्यू बनने वाली है, एकदम हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा देखने के लिए। तो चलिए इसमें मैं अब ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी, ये हमारा चावल का आटा है, इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैंने लिया है ये आधा कप हमारा मैदा है, दही को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम चावल का आटा है, 50 ग्राम हमारा मैदा है और एक कप दही है। तीनों चीज को मैंने ऐड कर दिया है बाउल में। अब मैं सभी चीज को अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर मैं तैयार करूंगी। हमें इसका पतला बैटर नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमें किस तरह का बैटर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बैटर को इस तरह से तैयार कर लिया है। दही डालने के बाद इसमें लगभग 10 चम्मच पानी मैंने ऐड किया है, बाकी इसमें पानी मैंने नहीं ऐड किया है। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी यहाँ धनिया और पुदीने की पत्ती, इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मसाले क्या लिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अमचूर पाउडर, साबुत जीरा, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जवाइन, लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने मसाले आधे आधे चम्मच लिए हैं फ्रेंड्स। आप लोग को जितना भी नाश्ता बनाना है आप उसी अनुसार से मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सभी मसाले को मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले को बैटर में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये सफेद तिल है, एक चम्मच भर के मैंने लिया है। आप लोग इसे नाश्ते में डालना अगर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो सफेद तिल को डाल के मैं बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी यहाँ पे आधा चम्मच लिया है बेकिंग सोडा, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालूंगी और फिर इसे अच्छे से मैं बैटर के साथ मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमारा बैटर एकदम से तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें बैटर बना लेना है। तो आज मैं इस रेसिपी को बिना तेल के बनाऊंगी, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह से एक टिफिन है या कटोरी, आप लोग कोई भी चीज ले सकते हैं या कोई कप आपके पास है तो इस तरह से कप ले सकते हैं। तो इसे मैं भाप से बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें कोई भी आपके पास कोई भी सेट है, कटोरी, गिलास, तो आप लोग उसमें इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा मैं तेल से ग्रीस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इस बैटर को इसमें मैं सेट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने नाश्ता को थोड़ा मैं क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच यहाँ पे मूंगफली का तेल और इसे अच्छे से डाल के मैं मिक्स कर लूंगी। तो चलिए अच्छे से डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कप में बैटर को अच्छे से डाल दिया है। कप में देखिए फ्रेंड्स, हमें पूरा कप को नहीं भरना है, आधा आधा इसमें हमें गैप करना है, क्योंकि नाश्ता जब ये पकेगा तो थोड़ा ऊपर आएगा, तो हमें इसे थोड़ा खाली ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस नाश्ते में अपनी
पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलू और तोरी को ऐड किया है, तो आप लोग अपने पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, नाश्ता बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके यहाँ पे इडली स्टैंड को रख दिया है। पतीले को पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें से भाप निकलना शुरू हो गया है। तो आज मैं इसी में नाश्ते को बनाऊंगी। आप लोग कोई भी अगर होल वाली प्लेट है तो आप लोग उसमें भी नाश्ते को बना सकते हैं। भाप से स्किन किसी भी तरह से आप लोग इस नाश्ते को बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से भाप हमारा बन गया है पैन में। अब ये मेरा जो प्लेट है इसमें मैं इस कप को उठा के रख दूंगी। तो जितने सांचे हैं फ्रेंड्स उसी में मैं सारे कप को अच्छे से सेट कर दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से हमारा कप इसमें अच्छे से सेट हो गया है। तो आप लोग कोई भी बर्तन लेके इस तरह से नाश्ते को भाप के द्वारा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे 30 मिनट के लिए ढक के कुक करूंगी। तो चलिए 30 मिनट तक इसे मैं कुक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को नाश्ते को दिखाती हूँ। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना फ्लेम, हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो चलिए मीडियम फ्लेम पे इसे मैं 30 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। 30 मिनट हो गया है, चलिए नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता पक गया है अच्छे से 30 मिनट में। चलिए इसे चेक कर लेते हैं पक गया है कि नहीं। तो हमें इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको चेक करना है। अगर इसमें नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि हमारा नाश्ता अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी हमारा ये नाश्ता नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा अच्छे से पक गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और ये हमारा कप में कितना बढ़िया से नाश्ता पक के तैयार हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इडली स्टैंड से इसको निकाल के बाहर रख लेती हूँ। तो अभी मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देती हूँ, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं इस नाश्ते को इसमें से निकालूंगी, फिर मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग इस नाश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनाते हैं तो आप लोग इसे 2 से 3 दिन स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर इसे ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कप से नाश्ते को सर्व कर लिया। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से निकल गया है, बिल्कुल चिपकता नहीं है इसमें। और ये नाश्ता हमारा कितना बढ़िया भाप से पक के इतना से ऊपर नीचे अच्छे से कितना अच्छा ये पक के तैयार हुआ, कितना अच्छा इसका कलर आया। फ्रेंड्स आज की ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, तो आप लोग को न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहना है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स जब आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो आप लोग को नई नई वीडियो ऐसे ही देखने के लिए मिलती रहेगी। फ्रेंड्स तो आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे ही आते रहिएगा। तो आज की फ्रेंड्स आप लोग को यह रेसिपी कैसे लगी मेरी कपकेक की, तो आप लोग अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। तो ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।